पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभागीय परिवहन कार्यालय की ओर से तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय संबद्ध टिमिट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। इसके बाद उन्हें यातायात नियमों का उल्लंघन करने के दुष्प्रभावों संबंधी वीडियो क्लिप दिखाई गई। सभी संबंधित वीडियो क्लिप देखने के बाद छात्रों ने अपनी गलती को स्वीकार किया। टिमिट के चुनिंदा 5 छात्रों के पैनल ने कार्यक्रम में सभी को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। आरटीओ प्रशासन भीम सिंह और आरटीओ परिवर्तन आर के सिंह ने छात्रों को सड़क पर पालन करने वाले नियमों की जानकारी दी। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शशांक सिंह, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक मृदुला सिंह ने दोपहिया में हेलमेट, चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग करने, वाहन का थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिए छात्रों को जागरूक किया। एआरटीओ छवि सिंह ने छात्रों को घर बैठे ही मोबाइल पर फेसलेस ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा की जानकारी दी। इस मौके पर टिमिट के निदेशक विपिन जैन, इरफान कुरैशी, मनोज अग्रवाल, विभूल जैन, पंखुड़ी यादव, आचार्य कामेश मिश्रा, कपिल रस्तोगी मौजूद रहे। अब हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये सब अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रहा है लोगों में, वैसे ही हम मतलब ये ज्यादा पा रहे हैं कि ज्यादा हम लोग सेंसिटाइज हो रहे हैं रूल्स को फॉलो करने के लिए, और गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज सेफर रोड्स की तरफ बढ़ रही है। और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस और सेफर रोड्स के कंस्ट्रक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ज़्यादा टेक्निकल और साउंड तरीके से अब हमारी रोड्स डिज़ाइन हो रही हैं, और जहाँ तक हो रहा है कि हम लोग कंसल्टेंट्स और सॉफ्टवेयर की मदद से भी डिज़ाइन हो रही हैं, जिससे कि और सेफर रोड्स बने हैं। लोग सड़क दुर्घटनाओं में हर साल मरते हैं। दुर्घटना होना एक पहलू है, लेकिन उस दुर्घटना से जो परिवार बर्बाद होता है वो एक दूसरा पहलू है। वहाँ उस आदमी के जाने के बाद जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनको देखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट में इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया था। सड़क पर निकलना ही अपने आप में खतरे का काम है, ये हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में माना गया एक बेसिक सिद्धांत है। लॉ के स्टूडेंट्स इस बात से एग्री करेंगे। इसीलिए इंश्योरेंस में दो तरीके के इंश्योरेंसेस बनाए गए हैं। फर्स्ट पार्टी यहाँ आपके वाहन का जो नुकसान है उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी, उसका क्लेम मिलेगा। और दूसरा है थर्ड पार्टी यानी आपके वाहन के उपयोग के कारण किसी को भी सड़क पर दुर्घटना में नुकसान होता है, उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहा जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी से गलती हो जाती है, हमसे भी होती है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सुधार करना ये बड़ी बात है कि हम अपनी गलतियों में कितना सुधार कर रहे हैं। तो इसके लिए तरह तरह की चीज़ें, टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। कभी आप लोगों को फूल देकर, कभी धमका कर, कभी आप पे जुर्माना डालकर बताया जाता है कि आप ये गलतियां सुधारो, अन्यथा और ज़्यादा जुर्माने इस पर लगेंगे, आप पे फाइन लगेगा। तो पहले जैसे हेलमेट था, बहुत छोटा जुर्माना हुआ करता था 100 रुपीज़ का, कोई भी आता था कहता लीजिए 100 रुपीज़ चालान कर दीजिए, लेकिन अब वो 1000 हो गया है। यदि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उसका जुर्माना सरकार ने 1000 रुपीज़ कर दिया है। इसी तरह से सीट बेल्ट का भी 1000 है। यदि आप मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हैं, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि ज़्यादातर सभी मोबाइल फ़ोन का काफ़ी यूज करते हैं, और वहाँ चलाते हुए भी मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो उसका जुर्माना 1000 रुपये फर्स्ट टाइम है। अब नहीं आए क्योंकि मैं सर से निवेदन कर रहा हूँ, सर आप प्लीज किसी को यहाँ ड्यूटी पे तैनात करें जो इनका चालान करे। मैं यहाँ से कह रहा हूँ, आपका चालान होगा तभी आपको समझ में आएगा। चालान करवाइए सर, जिससे कि ये रोड साइड नहीं आए, ये आगे के कट से ही यू टर्न लेकर आए। ये निवेदन मेरा आपसे है, थैंक यू। देखिए, ये चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में शासन के निर्देश पर। उसी क्रम में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच एक कार्यक्रम चल रहा है। आज 20 तारीख को, आज तीसरे दिन जो है, ये टिमिट में जो है एक कार्यक्रम जो है परिवहन विभाग की तरफ से और पुलिस विभाग की यातायात की तरफ से, जिसमें हमारे विवेक जैन साहब यहाँ डायरेक्टर हैं इस टिमिट के, और इनकी करड़ा से और
के जो है आग्रह पर हम लोगों ने यहाँ पर रखा। आप बड़ा बढ़ चढ़ करके रोड सेफ्टी अवेयरनेस में भी बड़ा सहयोग करते हैं। इसमें देखा गया कि जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं बच्चे या कोई शहरी जो है उनको रोका गया, और हमारे प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा उन बच्चों का चालान भी किया गया वाहन का, और फिर जो है उन्हीं बच्चों से उनके व्यू लिए गए कि आपने ये गलत किया, क्यों किया, और लोगों को जागरूक करें, स्वयं या जो है शपथ लें कि हम यातायात नियमों का अनुपालन करेंगे, कभी जो है नियमों को नहीं तोड़ेंगे, साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करें कि वे भी यातायात नियमों का अनुपालन करें। इसी एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत जो है ये कार्यक्रम यहाँ रखा। क्या अपील करेंगे सर मुरादाबाद के नागरिकों से? सभी नागरिकों से अपील करेंगे सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करें, यातायात नियमों का अनुपालन करें, सुगम यातायात प्रबंधन में अपना योगदान दें। पुलिस प्रशासन परिवहन विभाग ये तो अपना काम कर ही रहा है इन्फोर्समेंट का, साथ ही साथ स्वयं आए जो है स्वयं जागरूक होकर के यातायात नियमों का अनुपालन करें। जब तक जो है आत्म जागृति नहीं होगी तब तक इसे पूर्ण रूप से सफल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मेरी अपील है कि सब लोग यातायात नियमों का अनुपालन करते हुए शहर को सुगम यातायात व्यवस्था में तब्दील करें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।